हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं आपके लिए आईएएस प्रीलिम्स परीक्षा 2019 के लिए करंट स्कैन, जो कि ये वीडियो हिंदी में है। और आज हमारी डेट है 28 फरवरी, यानी कि आज हमारा ये लास्ट दिन है फरवरी का। इसके बाद मार्च स्टार्ट हो जाएगा। देखिए, आप लोगों में से कल भी मैंने आपसे कहा था कि आप लोग जो सोच रहे हैं कि यूपीएससी परीक्षा दें या ना दें, आप फॉर्म जरूर फिल कर दें। उसके बाद आप मई के एंड में देख लें कि आपकी प्रिपरेशन कैसी है। प्रिपरेशन अगर अच्छी है तो परीक्षा दे दें, नहीं तो स्किप मार दें। तो आपका अटैम्प्ट जो है वो काउंट नहीं होगा, या अटैम्प्ट वो खराब नहीं होगा अगर आप प्रीलिम्स में सम्मिलित नहीं होते हैं तो। इसके अलावा देखिए, आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट ये भी आ रहे थे कि सर आप जो पॉलिटी है वो एनसीईआरटी बेस्ड पॉलिटी करवा दीजिए। देखिए, एनसीईआरटी पॉलिटी में कुछ खास नहीं है, ऑलरेडी मैं बता दे रहा हूँ, मेरी पढ़ी हुई है। उसमें सिर्फ और सिर्फ समय की बर्बादी है, कुछ ज़्यादा पढ़ने को आपको मिलेगा नहीं उसमें आपको। मैंने जो आपकी पॉलिटी है एम लक्ष्मीकांत की बुक से करवा दी है, यानी यूपीएससी के लिए रामायण या भगवत गीता बोली जाती है एम लक्ष्मीकांत, तो उस बुक से मैंने यहाँ पे पॉलिटी जो टेस्ट सीरीज कवर करवा दी है। तो आप वो वाले वीडियो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप अब आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं सभी डाउट्स का निराकरण करने की पूरी कोशिश करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, देखते हैं इसमें क्या है। यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 2018 का मैन बुकर पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया। देखिए, 2018 का जो मैन बुकर पुरस्कार है ये एना बर्न्स को दिया गया है, एना बर्न्स को। और एना बर्न्स जो है वो आयरलैंड की लेखिका है, आयरलैंड की है ये लेखिका, आयरलैंड से बिलोंग करती हैं ये, ठीक है। तो इन्हें प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार 2018 इन्होंने जीता है। एना बर्न्स ने एक फेमस उपन्यास लिखा है, मिल्कमैन एक उपन्यास लिखा है जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है, मिल्कमैन के लिए एना बर्न्स को। ये भी आप याद रखिए, एना बर्न्स को मिल्कमैन के लिए दिया गया है। और यह मैन बुकर पुरस्कार जो है इसका ये 50वां संस्करण था, मैन बुकर पुरस्कार जो था ये इसका 50वां संस्करण था ये वाला, ठीक है। और इस एना बर्न्स को 50,000 पाउंड यानी कि लगभग $66,000 की राशि भी इस मैन पुरस्कार को जीतने वाली उत्तरी आयरलैंड की महिला यानी जो है इन्हें ये मिली है ये वाली राशि। और बर्न्स की लिखी जो मिल्कमैन किताब है एक ऐसी किताब है जिसमें सशक्त युवा महिला की कहानी है जो एक ऐसे शख्स का सामना करती है जो यौन उत्पीड़न के लिए पारिवारिक रिश्तों, सामाजिक दबाव और राजनीतिक निष्ठा जैसे हथियारों का इस्तेमाल करता है, ठीक है। इसमें ऐसी कहानी लिखी गई है इसमें। तो यहां पर देखिए, पहला वाला कथन सही है तो यहां आंसर है केवल एक। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, हाल ही में किस विकसित देश ने नशीले पदार्थ मारिजुआना को कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया। देखिए, हाल ही में कनाडा ने आनंददायक मारिजुआना यानी कि गांजा, जिसे देसी भाषा में अपने यहाँ गांजा का बोला जाता है, गांजा को वैध बनाने वाला पहला औद्योगिक देश बन गया है। यानी कि इसने नशीला पदार्थ जो मारिजुआना बोला जाता है इसे कानूनी रूप से वैध घोषित कर दिया, यानी कि अपने यहाँ इसे गांजा बोला जाता है, इसे वैध घोषित कर दिया है। और यह दिन देश के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि यहां पर वयस्क कनाडाई लगभग एक शताब्दी से लंबे प्रतिबंध के बाद कानूनी रूप से यहां पर जो है मारिजुआना की कानूनी रूप से वैध घोषित करने की मांग कर रहे थे। तो ये जो है यहां पर एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया इस तरह का। और देखिए, इस तरह के मादक पदार्थों का को वैध ठहराना मेरी समझ से सही नहीं है, एक गलत इंप्रेशन जा रहा है, आप अपने यहां के युवाओं को एक गलत और दिशा दे रहे हैं। ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही नहीं हुआ है, जो भी रीजन रहा हो कनाडा के साथ, लेकिन ये अच्छा रीजन नहीं रहा है। तो यहां सेकंड का आंसर है सी वाला। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहां पर बताइए कौन से कथन सही हैं। पहला है DSRV यानी डीप सबमर्जेंस दो चालक दल द्वारा संचालित किया जाता है और यह निष्क्रिय पनडुब्बी से एक बार में 50 कर्मियों को बचाने में सक्षम है। देखिए, ये पहला वाला कथन जो है वो गलत है, यानी कि 50 कर्मियों को बचाने में सक्षम नहीं है, ओनली 14 कर्मियों को बचाने में सक्षम है, यानी 14 कर्मियों की क्षमता है इसमें। तो पहला वाला कथन गलत है कि हाल ही में जो पश्चिमी नौसेना की कमान है इसने DSRV यानी कि डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल की शुरुआती परीक्षण किया जो कि सफल रहा और इससे भारतीय नौसेना की ताकत और भी बढ़ गई है। यानी DSRV जो है वो दो चालक दल वाली नहीं बल्कि तीन चालक दल, यानी चालक दल में से 13 कैंडिडेट होते हैं और यह एक निष्क्रिय पनडुब्बी से एक बार में लगभग 14 कर्मियों को बचाने में, रेस्क्यू करने में सक्षम है। परीक्षण के पूरा हो जाने के बाद यह भारतीय नौसेना के बेड़े में बहुत जल्द शामिल हो जाएगी, ठीक है। तो यह पहला वाला कथन तो गलत है। सेकेंड है, DSRV गहरे पानी में डूबी पनडुब्बियों में बचाव कार्य करने में बेहद सक्षम है। देखिए, DSRV
ये जो आपकी है डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल है, ये गहरे पानी में बचाव करने में सक्षम है और ये लगभग 666 मीटर की गहराई तक गोता लगाने में कामयाब होती है, यानी 666 मीटर की गहराई तक जाने में सक्षम रही है अपने परीक्षण में। तो देखिए यहाँ पे सेकंड वाला कथन सही है, तो यहाँ पे आंसर है बी, यानी केवल सेकंड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, हाल ही में जारी की गई इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर नामक रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी हाल ही में जारी की गई इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर नामक रिपोर्ट के संदर्भ में विचार करना है, यहाँ पे बताना है कौन सा कथन सही है। पहला है यहाँ पे, रिपोर्ट के अनुसार $22 अरब के FDI के साथ भारत इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा FDI यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट प्राप्त करने वाला वाली शीर्ष अर्थव्यवस्था है। देखिए पहला वाला कथन गलत है, हाल ही में व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन यानी UNCTAD द्वारा जारी की गई इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर नामक रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण एशिया में भारत ने $22 अरब के FDI यानी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह को आकर्षित किया है, जिससे भारत इस अवधि के दौरान सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करने वाली शीर्ष 10 सर्वाधिक अर्थव्यवस्थाओं में शामिल होने में कामयाब रहा है। ठीक है, और इसके अलावा चीन जो है, यानी कि भारत नहीं है, चीन जो है सबसे ज्यादा FDI प्राप्त करने वाला प्राप्तकर्ता जो है वो शीर्ष देश है, यानी पहले नंबर पे सबसे ज्यादा FDI जो है वो चीन में लगता है, यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सबसे ज्यादा चाइना में आता है, तो पहला वाला कथन तो यहां पे गलत हो जाएगा। सेकंड है, रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक संदर्भ में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में आई है गिरावट मुख्य रूप से समृद्ध देशों में देखी गई है। देखिए ये सेकंड वाला कथन भी सही है यहां पे, कि संयुक्त राष्ट्र की इस रिपोर्ट में ट्रंप प्रशासन के द्वारा जारी सुधारों के चलते मूल अमेरिकी कंपनियों के द्वारा और उनकी सहयोगी विदेशी कंपनियां जो हैं, इन्होंने एकत्रित घरेलू आय की बड़ी राशि को अपने देश में वापस मंगाए जाने के कारण यहां पर इसमें वैश्विक प्रत्यक्ष में यहां पे विदेशी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में यहां पर गिरावट आई है इस वजह से, तो सेकंड वाला कथन तो यहां सही है। थर्ड है, विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2017 के मुकाबले इस वर्ष की पहली छमाई में FDI प्रवाह में 4% की गिरावट आई है। देखिए तीसरा वाला कथन भी सही है यहाँ पे, कि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 2017 के मुकाबले इस वर्ष की पहली छमाई में FDI प्रवाह में 4% की नाममात्र की गिरावट आई और इसके दौरान उनका अंतर्वाह लगभग कुल जो है 310 करोड़ रुपए का रहा है, 310 अरब डॉलर का रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेकंड और थर्ड क्वेश्चन सही है, तो स्टेटमेंट सही है, तो यहाँ आंसर है सी, यानी केवल 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, ओ नीर प्रणाली जो है इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कर कीजिए, यहां पर बताना है कौन से कथन सही हैं। पहला है, भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान अनुसंधान संस्थान और कोलकाता द्वारा ट्रेडमार्क ओनीर के तहत पेयजल कीटाणु शोधन प्रणाली का विकास किया गया। देखिए पहला वाला कथन जो है वो गलत है, पहला वाला कथन जो है सही नहीं है। हाल ही में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी CSIR IITR लखनऊ ने, यानी कि ये IITR लखनऊ ने जो है ये जो है ट्रेडमार्क ओनीर के तहत एक अभिनव प्रौद्योगिकी पेयजल कीटाणु शोधन प्रणाली विकसित की है। ठीक है, तो ये पहला वाला कथन तो गलत है, ये जो आपका जो है भारतीय रासायनिक विज्ञान अनुसंधान संस्थान कोलकाता के द्वारा नहीं, बल्कि वैज्ञानिक और अनुसंधान जो औद्योगिक अनुसंधान परिषद और भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ के द्वारा ये जारी किया गया है। ठीक है, तो ये पहला वाला कथन गलत है। देखिए ये इसके द्वारा क्या होगा, यानी कि इसके द्वारा विकसित ओनीर में केवल 2 पैसे प्रति लीटर की दर से सुरक्षित और स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराएगा ये, और सामुदायिक स्तर पर मॉडल की क्षमता जो है वो 450 लीटर प्रति घंटा है, जिसे 5,000 से 1,00,000 लीटर प्रतिदिन तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, सेकंड है, यह प्रणाली हानिकारक बैक्टीरिया या वायरस को नष्ट नहीं कर पाती है। देखिए सेकंड वाला कथन गलत है, बल्कि केवल जल की अच्छी तरह से छान देती है। देखिए सेकंड वाला कथन गलत है, यह प्रणाली जल का निरंतर उपचार करती है और बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया या वायरस या कवक प्रोटोजोआ सिस्ट आदि को नष्ट करती है और घरेलू एवं सामुदायिक पेयजल के लिए जो है यहां पर जो निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय मानक है, यानी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षित मानक है, ये उन सभी को पूरा भी करती है। तो देखिए यहां पे दोनों ही कथन गलत हैं, तो यहां आंसर है डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, हाल ही में भारत सरकार ने हेग अभिशमय पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, यह अभिशमय संबंधित है। देखिए हाल ही में भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, यानी हाल ही में भारतीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने जो है अंतर्राष्ट्रीय बाल अपहरण के नागरिक पहलुओं पर
हेग अवसमय पर, यानी हेग अभिसमय है, इस पर हस्ताक्षर करने के लिए भारत अभी तैयार नहीं हुआ है। तो यहाँ पर पहला वाला कथन तो बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, कमेंट में ये बताना है कि ये हेग जो है, यानी यहाँ पहला आंसर सही है, हेग जो है, ये हेग क्या है, हेग में क्या है ऐसा जो उस पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया है, कुछ तो होगा ऐसा। और एक हिंट दे रहा हूं, इसमें 15 लोगों का मतलब एक ग्रुप दल बैठता है, ठीक है। एक हिंट आपको मैं दे रहा हूं, 15 लोगों का दल बैठता है, यहां पे क्या है हेग में, ठीक है। हेग जो है नीदरलैंड में पड़ता है हेग, तो ये कमेंट में आपको बताना है यहां पे है क्या। ये मैं हिंट दे रहा हूं आपको, और मैं आपको ज्यादा नहीं बता रहा हूं, आपको बताना है कि क्या है, देखता हूं आपको पता है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2018, यानी हाल में त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास मालाबार 2018 संपन्न हुआ है, इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है। पहला है, यह अभ्यास भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य हुआ था। पहला वाला कथन सही है, यह अभ्यास जो त्रिपक्षीय अभ्यास है, यह फिलीपींस सागर के ग्वाम तट के पास भारत, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य संपन्न हुआ था। सेकंड है, यह अभ्यास भारत के मालाबार तट के पास आयोजित किया गया था, नहीं, सेकंड वाला गलत है। यह अभ्यास जो है फिलीपींस सागर के, यानी जो 2018 का अभ्यास हुआ है फिलीपींस सागर के ग्वाम तट के पास हुआ है ये वाला अभ्यास, तो सेकंड वाला कथन गलत है। थर्ड है, स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत INS सह्याद्री ने इस अभ्यास में भाग लिया था। देखिए, तीसरा वाला कथन सही है कि यहां पर भारतीय नौसेना ने, भारतीय नौसेना के स्वदेशी स्टेल्थ युद्धपोत INS सह्याद्री, नौसैनिक टैंकर INS शक्ति, पनडुब्बी रोधी लड़ाकू जलपोत INS कमोटो और इसके अलावा कमोर्ता और लंबी दूरी तक के जल क्षेत्र की निगरानी करने वाले वायुयान P-81 को इसमें शामिल किया गया था। तो देखिए, पहला और तीसरा कथन यहां पे केवल सही है, तो यहां पे आंसर है सी, यानी केवल 1 और 3। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में समाचारों में रहा बर्न अभिसमय, यानी हाल ही में समाचारों में रहा बर्न अभिसमय किससे संबंधित है। देखिए, बर्न अभिसमय जो है ये WIPO यानी जो आपका विश्व जो बौद्धिक संपदा संगठन है इससे संबंधित है। बर्न अभिसमय जो है ये WIPO यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन से संबंधित है ये वाला, तो यहाँ पे आंसर है 8 में का डी। अच्छा, कमेंट में ये बताना है, WHO, WMO, WTO और WIPO इन चारों की स्थापना किस वर्ष हुई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन चारों की स्थापना किस वर्ष हुई है और इनके अभी भी मुख्यालय कहाँ है, ये पूछे जाते हैं हर बार, ठीक है। तो यहाँ 8 में का आंसर है डी। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, भारत का प्रदर्शन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में निराशाजनक रहा, यानी कि भारत का प्रदर्शन ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 में निराशाजनक रहा, और ग्लोबल पीस इंडेक्स 2018 को तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सूचक उपयोग किए गए हैं, यानी कि यहां पर कौन कौन से सूचक इसमें उपयोग किए गए हैं। पहला है मानव हत्याओं की दर, पहला वाला कथन बिल्कुल सही है। सेकंड है हथियार तक आसान पहुंच, ये भी सही है। थर्ड है आतंकवाद का प्रभाव, ये भी सही है। चौथा है त्योहारों पर व्यतीत की गई समय की अवधि, देखिए ये शामिल नहीं है ग्लोबल पीस इंडेक्स में, ये दर शामिल नहीं है, बल्कि इसमें मानव हत्याओं की दर, हथियार तक आसान पहुंच, आतंकवाद का प्रभाव, ये शामिल किया गया, ये तीनों जो है ऑप्शन शामिल, सूचक शामिल किए गए हैं। तो देखिए यहां पे आंसर है ए, यानी केवल 1, 2 और 3। अच्छा, ये कमेंट में ये बताना है, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो है किसके द्वारा जारी किया जाता है, ये कमेंट में आप बताएंगे, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करने वाला कौन है, यानी विश्वविद्यालय है या कोई संस्था है, कौन जारी करता है ये कमेंट में आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, फौजदारी कानून और दीवानु कानून किस प्रकार भिन्न है। देखिए ये जो है फौजदारी और दीवानी, काफी लोग इनमें कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सामाजिक क्वेश्चन भी है एक तरह से, आप देखते होंगे अपने आए दिन के जीवन में, और काफी बार पूछ भी लिया है, और खास करके इंटरव्यू में पूछा जाता है, मोस्टली ये इंटरव्यू में ये वाला सवाल पूछा जाता है, फौजदारी और दीवानी कानून से संबंधित, और किस कैसे इसका निपटारा करना है, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो आपको पता होना चाहिए फौजदारी कानून और दीवानी कानून होते क्या है। देखिए फौजदारी कानून, फौजदारी कानून ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिन्हें कानून में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, जबकि दीवानी कानून व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से संबंधित हैं। देखिए पहला वाला कथन सही है। देखिए फौजदारी कानून में ऐसे व्यवहार या क्रियाएं संबंधित होती हैं जिन्हें कानून में कानूनी रूप से अपराध के रूप में परिभाषित किया गया है, उन्हें फौजदारी बोला जाता है। दीवानी कानून ऐसे होते हैं जिनमें किसी विशेष व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन या उसकी अवहेलना करते हैं, तो वो दीवानी कानून होते हैं। सेकेंड है, दीवानी कानून के मामलों में प्रभावित पक्ष की ओर से सक्षम न्यायालय में याचिका दायर करनी पड़ती है,
तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट फौजदारी कानून से संबंधित है। देखिए, यानी अगर किसी को दीवानी कानून से संबंधित कोई केस करना है तो पहले क्या करना है, उसे एक सक्षम न्यायालय में एक याचिका डालनी पड़ेगी और प्रथम सूचना रिपोर्ट यानी FIR जो है वो फौजदारी कानून से संबंधित उसे डालनी पड़ेगी। तो ये सेकंड वाला कथन भी यहाँ पे सही है। अब तो देखिए बताना चाहूंगा फौजदारी कानून कहाँ पे लगते हैं। देखिए फौजदारी कानून में ये बता रहा हूं इनका पूरा प्रोसीजर, जैसे कि चोरी, दहेज के मामले, महिला को तंग करना, हत्या आदि, ये सब फौजदारी कानून होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, सबसे पहले आमतौर पर FIR लिखवाई जाती है, उसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जाता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है, जुर्माना और दंड दोनों ही दिया जा सकता है। दीवानी क्या होते हैं, इसका संबंध व्यक्ति के विशेष अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है, यानी कि जमीन की बिक्री का है, चीजों की खरीदारी का है, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद है, तो ये क्या है, दीवानी, यानी कि हमारी खुद की मान मर्यादा प्रतिष्ठा से संबंधित कोई कानून है, इसे दीवानी कानून के दायरे में रखा गया है। ठीक है, यहां पर क्या होता है, केवल प्रभावित पक्ष की ओर से संबंधित न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार पर मुकदमा दायर कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये दीवानी कानून है और अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद हो तो अदालत यह आदेश कर सकती है कि किराएदार को मकान खाली करें और बकाया किराया चुकाएं। तो इस तरह के ये कानून है वो दीवानी कानून है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे दीवानी कानून और फौजदारी कानूनों में काफी बार देखिए आप लोगों के मन में उठा तो होगा प्रश्न कि उन पर दीवानी केस लग गया, उन पर फौजदारी हो गई। घर में आम भाषा में आप वर्ड सुनते हैं, समाज में सुनते हैं, तो लेकिन कभी आपने मौका नहीं मिला होगा जाने ये क्या होता है, फौजदारी क्या होता है और दीवानी क्या होता है। दीवानी यानी कि वैसे तो अगर देखा जाए डीपली तो दीवानी फौजदारी होते तो दोनों व्यक्ति विशेष से संबंधित ही हैं, लेकिन वहां पर क्या है उसको परिभाषित कर दिया है, यानी कि हत्या है तो हत्या को कानून में परिभाषित कर दिया, वहां पर हत्या हुई। अब दीवानी में कौन से आ गए, दीवानी में ऐसे आ गए, अब वहां पर दीवानी के अंतर्गत ऐसे तो कोई नहीं है परिभाषित किए गए हो कि हाँ भाई किराएदार है, किराया नहीं दे रहा है तो इसे परिभाषित किया गया हो कानून में, ऐसा नहीं है तो उसे रख दिया गया है दीवानी में। ठीक है, यानी उन्हें न्यायोचित क्या है कि आप न्यायालय में गए, न्यायालय में आपने मुकदमा दायर किया और न्यायालय ने आदेश किया कि भाई फलाना किराएदार तुरंत तत्काल खाली करें, नहीं तो उसके ऊपर मानहान तमाम केस हैं वो बना के लगा दिए जाएंगे। ठीक है, तो ये आ गए दीवानी में। अब आप समझ गए होंगे दोनों में डिफरेंस, तो दोनों ही कथन सही है, तो यह आंसर है सी, यानी एक और दो दोनों। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, ना पसंद आए डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया है कमेंट ऑप्शन जरूर बताइए और चीज़ों को शेयर भी करते रहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।